हेलो दोस्तों, आप सभी को एशियन कुक की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम दिखाएंगे आपको अमेरिकन स्टाइल चिकन क्रिस्पी सलाद, जो कुछ आपका इस तरह से दिखेगा। तो लेट्स गो, चलते हैं। पहले हम शॉपिंग करेंगे मार्केट में, फिर उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो ये आ गए हम मनाली माल रोड। माल रोड से हम थोड़े से वेजिटेबल्स लेंगे, जो कि हम इस शॉप से खा लेंगे। तो हमने एक आइसबर्ग यहाँ से छांट के उठा लिया है। तो अब रेड येलो कैप्सिकम उठा लिया, फिर हमने बेजिल उठा लिया है, और अब चलते हैं घर की ओर। तो साथ ही आपको मैं मनु मार्केट की भी सैर कराता हूँ। ये मनाली की मार्केट है, मनु मार्केट बोल के। यहाँ पे शूज़ अच्छे मिलते हैं और अच्छे मोमो थुपा भी मिलते हैं। तो ये आप तितली कॉलोनी, अब चलिए चलते हैं सलाद की करते हैं स्टार्टिंग। तो उसके लिए मैंने मार्केट से जो चिकन लाया था उसे हम काटेंगे और इस तरह से अच्छे से दबा देंगे, इस तरह से। फिर हम एक अंडे तोड़ लेंगे एक बॉल में, फिर उसके बाद हम इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और देगी मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम एक जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, फिर लेमन डाल देंगे। लेमन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम दो से तीन चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे। टेबल स्पून चम्मच जो रहेगा। तो उसके बाद हम जो हमने दबाया हुआ चिकन था उसे हम उस मसाले में डुबा देंगे और प्लेट में क्रम्स निकाल के क्रम्स लगा देंगे। अच्छे से क्रम्स लगने के बाद हम एक बर्तन में तेल लेंगे और उसको तेल में डाल देंगे। याद रहे तेल लो टेम्परेचर में रहे, ज़्यादा हीट में ना रहे। तो अगर आपका ज़्यादा हीट रहेगा तो वो अच्छे से कुक नहीं होगा। और एक बार फ्राई करने के बाद हम एक बार उसे बाहर निकाल के इस तरह से उसमें छेद कर देंगे। फिर उसके बाद फिर से हम उसे तेल में डाल के निकाल लेंगे। और उसके बाद हम ड्रेसिंग तैयार करते हैं सलाद के लिए, जो जो हमें चाहिए। हमने लेमन लिया है एक बड़ा, और उसके बाद मेयोनीज डालते हैं 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद हम मस्टर्ड सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, सॉल्ट डालेंगे, पेपर डालेंगे, उसके बाद हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, उसके बाद राइस विनीगर डाल देंगे, और उसके बाद मैपल सिरप डाल के ये आपका ड्रेसिंग रेडी हो गया। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ऑल वेजिटेबल, जो जो हमारे पास वेजिटेबल है, तो उन्हें हमने धोना है। तो हम पहले चॉपिंग बोर्ड को धो लेंगे, फिर उसके बाद चापड़ को धो लिया है। उसके बाद एक एक करके सब वेजिटेबल को अच्छे से धो लेंगे। हमने आइसबर्ग लिया है पहले, उसे ही काटेंगे हम। तो ये जो इसकी ऊपर की ये हिस्सा होता है, इसे निकाल के साइड करना होता है, और इसे हम थोड़ा बड़ा बड़ा पीस रखेंगे। तो हमने इसे इस तरह से काटना है, और उसके बाद हमने सलाद पत्ता भी बड़े बड़े हिस्से में काटना है। तो इसी तरह से सब वेजिटेबल कटेंगे। तो प्लीज़ देखिए आप इस तरह से कटता है शूट अच्छा, और पीसफुल जगह में कुकिंग करने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। और मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो बहुत ही अच्छा रहा है, और कुछ नया सीखने को मिला नेचर के साथ कुकिंग करते हुए। सिर्फ यही बस। रुक जा।
सब वेजिटेबल कटने के बाद अब आई बारी ड्रेसिंग की, तो ऊपर से हम ड्रेसिंग डाल देंगे जो हमने बना के पहले ही तैयार किया हुआ था। अच्छे से डालना है सलाद के हिसाब से, आपको उसमें ड्रेसिंग डालना है कि आपके सलाद में ड्रेसिंग कम ना लगे। तो जितना ज़्यादा ड्रेसिंग होगा आपका, ड्रेसिंग एक तो श्योर होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा ड्रेसिंग होगा उतना अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम चिकन को काट के कुछ इस तरह से सलाद के ऊपर रख देंगे और ये आपका सलाद रेडी है। प्लीज़ कमेंट करें आपको कैसा लगा, और घर में ज़रूर ट्राई करें एक बार, और ये व्यू भी इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। किस तरह से बना सकते हो, तो ये मेरा परचेज था कि आपको बताएं कि इस तरह से जंगल में आके आप ये सेटिंग के साथ एक अच्छा सलाद बना के खा सकते हो। और प्लीज़ हमें बताना कि ये सलाद आपको कैसा लगा।